हमें जहाँ तक जगह मिलेगी हमें पहुँचना होगा, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। इस तरीके से रजनी जी कह रही हैं कि आपका नाम? सर मेरा नाम सुनीता, मैं मुंडका से आई हूँ। और सर हमें 2.5 साल हो गए जितेंद्र जैन साहब के पास पहुँचते, तो वो हर बार हमें झूठा आश्वासन देते हैं अब की बार तुम्हारा काम हो जाएगा, अब की बार तुम्हारा। और इसीलिए 52 लेडीज पहले ली थी, तो हम क्या लेडीज नहीं है? हमें क्यों नहीं ले रहे वापसी? हम जब इतने सालों से चक्कर लगा रहे हैं, हम बेरोजगार हैं, हम अपने बच्चों का कैसा पालन पोषण करें? 52 जो लेडीजों को लिया गया है उनको किस शर्त पे लिया गया है? सर उनके सामने कोई शर्त नहीं थी, ना कोई उनका फिजिकल हुआ, ना कोई उनका रिटर्न हुआ, वापसी उनको वैसे ही ले लिया और हमें भी वैसे ही लिया जाए जैसे उनको लिया गया है। तो जब आपको निकाला था इन्होंने, तो निकालते समय क्या आपको नोटिस दिया था या क्या आपको वर्बली बोला था? नहीं सर हमें कोई नोटिस नहीं दिया, और उनको जैसे ले लिया उनका टाइम बढ़ गया तो हमारा भी बढ़ना चाहिए था। जो आपका जो डिपार्टमेंट है जहाँ ये होम गार्ड का जो अधिकारी है, क्या आप उनके पास अपनी अपील लगाने गए थे? सर हम वहाँ पे नहीं गए, मतलब एक अधिकारी के सुनते नहीं सर वो हमारी, हम वहाँ पे जाते तो वो सुनते ही नहीं हमारी। जो आपके जो अधिकारी हैं कमांडेंट वगैरह हैं, तो आपने उनसे तो गुहार लगाई होगी कि सर हमें क्यों निकाला जा रहा है? हम हर बार गए हैं वहाँ पे, पता नहीं हमारी कितनी एप्लीकेशन उनके पास जा चुकी है, और हर बार जो है ना सत्येंद्र जैन जी ये लिखते हैं हमने डीजी को फॉरवर्ड कर दिया, आपके डीजी से हमें मिला नहीं है ऑर्डर, डीजी के पास फॉरवर्ड कर दिया। जी सर हर बार यही बोलते हैं। अभी